स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित पाठ 16 वृत्त। पहला सवाल हमारा दिया हुआ चित्र को देखते हुए स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलान करें। तो स्तंभ और स्तंभ ब का मिलान दिया हुआ, यह चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीख लीजिए, उसके बाद देखते हैं इस सवाल पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला प्रकार लेंगे, इसको गोला प्रकार ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंपास बोलते हैं, और यहाँ पे इसको रखते हैं और रखने के बाद सीधे इसको गोले से खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे गोला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वृत्त। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, वृत्त कहते हैं। तो जो ये केंद्र है जहाँ से हमने इसको खींचा, देखिएगा ये जो पॉइंट यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, ठीक ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, केंद्र। केंद्र को हम लोग ए लिख सकते हैं। अब केंद्र से जो भी दूरी इसको यहाँ पे टच करेगा, इस परिधि को, यहाँ पे जो चारों तरफ है इसको बोलते हैं परिधि, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र, इसको बोलते हैं चारों तरफ है इसको परिधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, लेकिन केंद्र से ये परिधि यहाँ तक के बीच की दूरी को, यहाँ से केंद्र से और परिधि पर जो टच दूरी हुई है इसको बोलते हैं, इतना ही दूरी को त्रिज्या, क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या, ठीक है। और यही अगर केंद्र से इस साइड से और पूरा केंद्र से यहाँ तक टच हो जाता है, ठीक ना, दोनों साइड, तो यहाँ पे अगर सी लिख देते हैं तो ये पूरी लाइन को, मतलब इस परिधि से टच हुआ है और केंद्र को होते हुए टच हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पूरी दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को, यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी को बोलते हैं हम लोग व्यास, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग व्यास, ये ए है यहाँ मान लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, मतलब केंद्र से इस साइड की दूरी को त्रिज्या और पूरी दूरी को व्यास बोलते हैं। और किसी भी वृत्त में, ध्यान से ये बात समझेंगे, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी अगर जीवा है तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यास, इसको जीवा भी बोलते हैं, लेकिन जीवा की एक पहचान ये होती है कि जीवा कहीं दूसरे जगह होता है, केंद्र से नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी को हम लोग डी, मतलब सी हो गया, तो यहाँ पर जगह डी और ई मान लेते हैं, तो इसे जीवा बोलेंगे, इसे भी जीवा बोलेंगे, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, ये बात ध्यान रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। और जो कहीं भी लाइन अगर ऐसे भी खींच देते हैं तो ये भी व्यास जीवा का काम करेगा, ये भी इस तरीके से खींच देते हैं, ये सारे जीवा के काम करेंगे, ठीक है ना। और ये इस तरीके का क्या होता है, परिधि होता है। और यहाँ से यहाँ तक की, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। और ये पूरी इस परिधि से इस परिधि तक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं, अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो वो जीवा में हो जाएगा, इसको भी जीवा बोलेंगे, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या, उसको बोलते हैं हम लोग व्यास। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो जो ये पूरी दूरी होती है व्यास की दूरी, वो व्यास बराबर क्या हो जाएगा तब, व्यास बराबर दो गुना है, ये एक है और इसका दो गुना है, क्या चीज़, दो गुणे त्रिज्या, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, इसका दोगुना होता है त्रिज्या, ये सूत्र बिल्कुल ही याद रखिएगा। और ये केंद्र से यहाँ से कोई भी चाप लेते हैं, जैसे कि ये दूरी से यहाँ से कोई भी केंद्र से ये चाप लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो जहाँ पे कटान बिंदु होता है यहाँ से अगर काट देते हैं तो ये इस पर चाप लगाए, तो ये जो दूरी होती है यहाँ से, मतलब कि ये दूरी यहाँ से, मतलब ई तक हो गया यफ, मतलब बी से यफ तक की दूरी को हम लोग चाप बोलेंगे, ठीक है ना, बी से यफ तक की दूरी को चाप बोलेंगे। अब यफ से भी अगर कोई चाप काटते हैं, अगर यहाँ तक काट देते हैं, तो यफ से अब जी तक, मतलब ये जी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, चाप का काम करेगा, ठीक है। अगर जी से, अगर मान लीजिए यहां तक ले जाते हैं, जी से इस तरीके से काटते हैं हम लोग, तो जो यहां पे कटान बिंदु होता है इसको भी हम लोग चाप बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे भी बिंदु लगता है और कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बस वृत्त में इतना ही सारा कुछ है, इतना ही समझना था। अब आते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल में दिया हुआ है स्तंभ अ स्तंभ ब, इसको मिलाना है, यहाँ पे केंद्र दिया है, तो केंद्र किसको बोलते हैं, हमने बताया था ये बीच वाले को बोलते हैं, तो केंद्र के जगह पे क्या लिखा है, क, तो ये केंद्र क्या हो जाएगा, इससे इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा क, ठीक है। अब बोला है व्यास, तो हमने व्यास क्या बोला था कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन ये परिधि से ये परिधि तक के टच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीधी जो होती है केंद्र से जाती है उसको व्यास बोलते हैं, मतलब ग और घ क्या है, व्यास है। तो ग घ कहीं खोजिए, ग और घ पाँचवें नंबर पर है,
तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये इस पे व्यास हो जाएगा इस तरीके का। फिर बोला है त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं, क से ख तक की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं, क से घ तक की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं, क से ग तक की त्रिज्या को, ग की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं। अब इसमें कौन सा है, क से ख तक की दूरी है यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी इस तरीके से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा बोला है चाँप, चाँप के लिए हमने बताया था कि जो यहाँ से कोई भी दूरी मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाँप। तो चाँप इसमें क्या है देख लीजिए, कोई भी च है छ है ज है, यहाँ पे भी च है छ है ज है, इसका मतलब चाँप जो हो जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा चाँप, ठीक है। अब आता है परिधि, तो परिधि किसको बोलते हैं, जो वृत्त की चारों ओर पूरी दूरी को हम लोग परिधि बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये परिधि पर टच हुआ, ये भी परिधि पर, ये भी परिधि पर, मतलब ये पूरी दूरी को हम लोग परिधि बोलते हैं, मतलब ये परिधि क्या हो जाएगा हमारा, ये तीसरे नंबर वाला, वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई को हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा इस तरीके से, पहला सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे, दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त बनाइए। पहला क दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिएगा, और लाइन खींचने के बाद जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ध्यान से आप देखिएगा, दिखेगा आपको यहाँ पे सर 0 दिया हुआ है, और 0 से 5 यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 के पास एक पॉइंट लगा लीजिएगा और एक 0 के पास पॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट लगाने के बाद आप एक के उठाइएगा गोला प्रकार, और गोला प्रकार उठाने के बाद यहाँ से जो एक जगह बिंदु पे इस साइड भी रख सकते हैं और इस साइड भी कहीं भी रख लीजिएगा, दोनों केंद्रीय मान के यहाँ पे रख लीजिएगा, और इसको उतना तक यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से खींच के, यहाँ पॉइंट तक बढ़ा लीजिएगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं, इसको पकड़ के चाहे इसको पकड़ के, पेंसिल को पकड़ के, और चारों तरफ इस तरीके से घुमा दीजिएगा, ठीक है ना, चारों तरफ इस तरीके से घुमा दीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना, आप यहाँ से पकड़ के इसको घुमाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये देखिए यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से घुमा दीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर का आपका वृत्त बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या जब मिलाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक मिला लेंगे, ये त्रिज्या जब मिलाएंगे तो आपका यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, और बाकी सबको रबड़ से मिटा लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग क, और इसको बोल सकते हैं हम लोग ख, ए बी भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वाला मिटा लीजिएगा रबड़ से, ये वाला भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वृत्त बन के आया 5 सेंटीमीटर, ये लिखिएगा 5 सेमी त्रिज्या का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके ख वाले सवाल पे, और देखते हैं कि ख क्या है। जैसे ख दिया हुआ हमारा ख 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेमी, तो आपको 4.5 सेंटीमीटर फिर से यहाँ पे रखेंगे इसको, और रखने के बाद ठीक है थोड़ा नीचे तक ये आपको दिक्कत ना हो घुमाने में, 4.5, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे जो बड़ी लाइन दिख रही है ये, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे एक है, और एक है पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 4.5 हो गया। अब यहाँ से फिर से इसको रखेंगे, और रखने के बाद इसको थोड़ा दबा लीजिएगा, जितना होगा 5 पर 4 पर उतना ही पे, ठीक है। अब इसको मिला लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, आप अलग अलग बनाइएगा, ठीक है, मेरा एक में बन जा रहा, आप अलग अलग बनाइएगा इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो केंद्र से दूरी आएगी, जो भी केंद्र से दूरी आएगी, इस पे चढ़ना नहीं चाहिए, ये नहीं कि इस पे मिला के बना दीजिएगा, आप अलग बनाइएगा, थोड़ा ही दूरी नहीं टच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे में, यहाँ पे इस तरीके से माप के इसको त्रिज्या बना लीजिएगा, यहाँ से केंद्र से इसको टच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो केंद्र से टच हुआ है यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा त्रिज्या, सेमी त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब इसका अगला जो सवाल है ग, उसको देखते हैं। ग हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से और यहाँ तक जो भी दूरी होगा, यहाँ से आप पहले यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से कर करके और यहाँ तक की दूरी को 6 सेंटीमीटर है, इसको आप लाइन भी खींच सकते हैं पहले, ऐसी बात नहीं कि नहीं खींच सकते हैं, और खींचने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सेमी, और 6 सेमी लिखने के बाद आप आराम से इसको ऐसा करके खींच लीजिएगा, यहाँ से इसको मिला लीजिएगा, या फिर यहाँ से भी इसको रख के मिला के अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का मिला लीजिएगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ से मिला के गोल कर सकते हैं, इधर देखिए बच जा रहा समय, मिल जा रहा तो बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से चारों तरफ मिलाइएगा, ऐसा मिलाएगा खींच के ना, ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से
इस तरीके से इसको मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा क्षेत्र। तो इस तरीके से इसको हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं, त्रिज्या त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, और इस तरीके से वृत्त बन करेगा। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताइए। तो हमने बताया था कि वृत्त का व्यास बराबर, एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था कि वृत्त का व्यास बराबर, या व्यास बराबर डायरेक्टली लिखता हूँ, व्यास बराबर यहाँ पर 2 × कितना होता है हमारा त्रिज्या, ये सूत्र होता है, ये होता है आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या इक्वल टू दिया हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे और दोनों गुणा कर देंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसके 2 गुना होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को यह वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।